भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। बता दें कि महिला रेसलर से कथित यौन शोषण के आरोप झेल रहे पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय होने से दिल्ली के राजनीतिक कोर्ट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई कर रहा है। ऐसे में राजनीतिक कोर्ट ने बीजेपी सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने पर फैसला 18 अप्रैल के लिए सुरक्षित रखा है। मालूम हो कि यह मामला कुछ महिला पहलवानों की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी चुनाव तिथियां पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप तय करने पर सभी पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। हालांकि इससे पहले राजनीतिक कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित रेसलर्स ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। यहां तक कि पहलवानों ने जंतर मंतर पर भी कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के 2 मुकदमे दर्ज कराए थे। इसमें से एक केस नाबालिग पहलवान का भी दर्ज था, जो कि बाद में अपने बयानों से पलट गई। बाकी पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में धारा 354, 354 ए और डी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी से डेस्क रिपोर्ट।